दोस्तों आज हम बताने वाले हैं फेसबुक का जो कस्टमाइजेशन बार है, मतलब जो शॉर्टकट बार है, वो फेसबुक को कस्टमाइज कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, उसका सेटिंग क्या है, अभी बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले फेसबुक आ जाओ, फेसबुक ओपन करो। ओपन करने के बाद फिर देखो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फेसबुक का, पहले पेज का। इसके बाद जो कस्टमाइज बार है ऊपर देखो, फ्रेंड और वीडियो नोटिफिकेशन ये सब रहता है ऊपर कस्टमाइज। आप क्या करना है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करो। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करो। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सेटिंग पे फिर एक बार क्लिक करो। सेटिंग में मैंने फिर एक बार क्लिक कर दिया। सेटिंग में एक बार फिर क्लिक करने के बाद इसके बाद इंटरफेस इसका आ जाएगा। इसके बाद देखो प्रिफरेंस, प्रिफरेंस जिधर है वो प्रिफरेंस सेक्शन में है। शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स लिखा है, आप शॉर्टकट्स पे क्लिक कर दो। शॉर्टकट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर आपका देखो इधर आ जाता है शॉर्टकट बार नोटिफिकेशन डॉट्स। शॉर्टकट बार पे हम क्लिक करेंगे, शॉर्टकट बार पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने से क्या होगा मैं बोल देता हूँ। आपका ऊपर देखो फ्रेंड लिस्ट होगा, वीडियो होगा और बहुत सारे। आप चाहो तो अपनी मर्जी से पिन करके उधर लगा सकते हो। आप अगर वीडियो देखना चाहते हो ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। वो शॉर्टकट का बार का फायदा यही है, मगर डिफॉल्ट में इधर उधर के रहता है, आपकी मर्जी से नहीं रहता है। आप खुद उसको ला के उधर रखना है पिन करके, तो आपकी मर्जी से वो चेंज होकर रहेगा उधर। ठीक है, चलो पहले अभी शॉर्टकट बार पे क्लिक करते हैं। शॉर्टकट बार पे क्लिक करने के बाद फिर इधर आ जाते हैं, देखो कस्टमाइज योर शॉर्टकट बार। आप खुद अपने मन से कस्टमाइज करके रख सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, अवेलेबल शॉर्टकट। मान लो आपको कोई फ्रेंड, आप आगे कौन सा रखना चाहते हो, देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट, ग्रुप, मार्केट प्लेस, प्रोफाइल, वॉच, गेमिंग, फीड्स, ये सब उस डिटेल्स सारे रहता है। आपका मर्जी के हिसाब से रखना है। मेरे देखो अभी रखता हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट, पहले रखता हूँ। देखो ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट, उसका राइट साइड में देखो ऑटो लिखा है, वही ऑटो के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इधर देखो पिन करने के लिए देता है ऑटो और हाइड करने के लिए देता है। आप चाहो तो हाइड कर सकते हो और पिन भी है। मैं अभी पिन करूँगा। पिन करने के बाद देखो इधर पिन कर दिया। पिन करने के बाद देखो आप ये जो पिन किया हुआ ऊपर चला गया, देखो अकेला वो सेपरेट हो गया। इसके बाद क्या रखना चाहता हूँ, मान लो मैं फेसबुक में वीडियो देखना चाहता हूँ, जो कोई वीडियो चढ़ता है, जो पेज का वीडियो होता है वही वीडियो देखना चाहता हूँ। हाँ, इसके बाद वो वॉच पे क्लिक करो, उधर सारे वीडियो आ जाएगा। फेसबुक का जितना वीडियो है ना, उधर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो सारे वीडियो पे। आप, मैं सेकंड पे रखता हूँ वॉच, वॉच ऑटो पे क्लिक करूँगा। इसके बाद देखो ऑटो पे क्लिक करने के बाद पिन का ऑप्शन आ जाएगा, उधर पिन पे क्लिक कर दूंगा। फिर देखो आ गया वॉच सेकंड पे आ गया। थर्ड, थर्ड पे रखना चाहूँगा। आप चाहो तो ग्रुप रख सकते हो, प्रोफाइल रख सकते हो, अपनी मर्जी से रख सकते हो। मैंने अभी इसको ग्रुप में रख देता हूँ, ग्रुप को पिन कर देता हूँ। देखो वो तीन पिन हो गया। और एक बात, तीन से ज़्यादा पिन नहीं होगा। मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। अभी देखो मैं प्रोफाइल में प्रोफाइल को पिन करता हूँ। देखो क्या ये जो काला पट्टी में लिखा जाता है नीचे, देखो काला पट्टी में लिख के कुछ आ जाता है। देखो पढ़ के सुनता, यू कैन ओनली हैव थ्री पिन शॉर्टकट एट ए टाइम, मतलब एक टाइम में आप थ्री पिन करके रख सकते हो और थ्री से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। देखो ये तो पिन हो गया। इसको कैसे देखे, किधर हम ढूंढे इसको, ये जो हम सेटिंग किया उसका फायदा किधर उठा सकते हैं। अभी चलो चलते हैं, बैक करो। ये तो पिन कर दिया। देखो और एक सेटिंग रह गया, मैं बोल देता हूँ उसके बाद शॉर्टकट में। देखो आप नोटिफिकेशन बार को तो कस्टमाइज कर दिया, इसका नोटिफिकेशन डॉट, नोटिफिकेशन डॉट पे क्लिक करो। ये एक बोनस सेटिंग है। देखो इधर लिखा है वॉच और मेनू। अगर देखो वॉच पे क्लिक करता हूँ, मेनू पे क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक कर देने से क्या होगा, कोई नया वीडियो आ गया तो नोटिफिकेशन उधर डॉट दिखाई जाएगा। इसी जो डॉट रेड डॉट आ जाता है ना, वो रेड डॉट आ जाएगा, आप देखेंगे पता चल जाएगा कोई नया वीडियो आया है,
उधर जाके क्लिक करके देख सकते हो, इसलिए वो नोटिफिकेशन सिस्टम इधर रखा है। ठीक है, बैक करते हैं। बैक करने के बाद फिर हम दिखाते हैं, देखो ये ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, इधर फ्रेंड है, ऊपर जो नीली पट्टी में आ गया ना, और वो फ्रेंड और वॉच, देखो ये सब वीडियो आ जाता है, देखो ये सारे वीडियो आ जाता है, आप इधर वीडियो देख सकते हो। और मैं ग्रुप रखा था थर्ड पे, सेकंड नंबर पे वीडियो रखा था, वीडियो आ गया थर्ड पे। देखो ये थर्ड पे मैंने ग्रुप, कौन सा ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है, उस ग्रुप का सारे वीडियो हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो, फोटो हो, सारे आ जाएगा। बस ऐसे ही आपने जो शॉर्टकट बार को कस्टमाइज करो, कस्टमाइज करने के बाद आप फायदा उठा सकते हो। बस थैंक यू, मैं इतना बोल के वीडियो रखता हूँ। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करोगी और दोस्तों के साथ शेयर करोगी।